हेलो बच्चों, ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं एक नया एग्ज़ाम का वीडियो लेकर आई हूँ। उस एग्ज़ाम का नाम है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड। जिन बच्चों ने दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्वेश्चन चाहिए, वो इस वीडियो में जाकर ज़रूर देखना। और बच्चों, ये एग्ज़ाम जो है मार्च में है, और ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी, अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे पता लगे कि मेरे बच्चों को दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का वीडियो पसंद आया। और साथ साथ शेयर भी करें, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता हो उनको भी इस बात का पता लगे और वह भी इस वीडियो को पढ़कर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे मैं जो भी दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित जो भी वीडियो नया डालूं वो आपको तुरंत ही प्रोवाइड हो सके। तो बच्चों पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सरकार का अर्धसंघीय रूप डैश संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन को समझेंगे, भारतीय संविधान की सरकार का अर्धसंघीय रूप डैश संविधान से लिया गया है। उत्तर है कैनेडियन। उत्तर क्या है बच्चों? कैनेडियन। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है बच्चों, आंध्र प्रदेश। उत्तर क्या है बच्चों? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा लेख कारखानों में एक बच्चे के रोजगार का निषेध बताता है? क्वेश्चन को समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लेख कारखानों में एक बच्चे के रोजगार का निषेध बताता है? उत्तर है आर्टिकल 24। उत्तर है आर्टिकल 24। नेक्स्ट है बच्चों, पलक्कड़ गैप निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? पलक्कड़ गैप निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? उत्तर है केरल और तमिलनाडु। उत्तर क्या है बच्चों? केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है बच्चों, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डैश के रूप में जाना जाता है। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है बच्चों, एक एंजाइम का नाम है जो वसा को पचाता है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक एंजाइम का नाम है जो वसा को पचाता है। उत्तर है बच्चों, लीपेस। उत्तर है लीपेस। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बर्बर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बर्बर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? इसका उत्तर है बच्चों, मौर्य साम्राज्य की। उत्तर है बच्चों, मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा लेख अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है? क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा लेख अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है? उत्तर है बच्चों, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312। नेक्स्ट बच्चों, बेबी फूड्स बनाने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? बेबी फूड्स बनाने में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, बात एक ही है। इसका उत्तर है बच्चों, ट्रिप्सिन। उत्तर क्या है बच्चों? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है बच्चों, सेल की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताओ। सेल की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताओ। उत्तर है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है बच्चों, लक्षद्वीप और मालदीप डैश द्वारा अलग किए गए हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? लक्षद्वीप द्वीप और मालदीप द्वारा अलग किए गए हैं। इसका उत्तर है 8 डिग्री चैनल। उत्तर क्या है बच्चों? 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए गए हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सी गैस सुरक्षित है और सीमित आग के लिए एक प्रभावी बुझाने की है? कौन सी गैस सुरक्षित है और सीमित आग के लिए एक प्रभावी बुझाने की है? उत्तर है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट है बच्चों, उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो विषाक्त रक्त को वहन करती है। क्वेश्चन को समझेंगे, उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो विषाक्त रक्त को वहन करती है। उत्तर है फेफड़े की धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फेफड़े की धमनी। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य हैं। उत्तर है 11। उत्तर क्या है बच्चों? 11। नेक्स्ट है बच्चों, मराठा और द केसरी दो मुख्य समाचार पत्र किसने शुरू किया? मराठा और द केसरी दो मुख्य समाचार पत्र किसने शुरू किया? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा प्रदान नहीं करती? उत्तर है विटामिन। उत्तर क्या बच्चों? विटामिन। नेक्स्ट है बच्चों, रक्त के किन घटकों में से कौन सा थक्के के लिए जिम्मेदार है? उत्तर है बच्चों प्लेटलेट्स। उत्तर क्या बच्चों? प्लेटलेट्स। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।